Morning, ma'am. Morning, papa. Hi, good Vita. Morning. Morning. Aja, aja, bed. Ab bhi jaaye aaiye. Suno, Shapra, bhaiya ke liye chalega? Nahi, ma'am. Rehne do. Main pee chuki hoon, papa. Abhi man nahi kar raha. Mujhe aap dono se ek zaruri baat karni hai. Haan, bol na, beta. Bol. Papa, मैंने डिसाइड किया है कि मैं अब यहां नहीं रहूंगी. क्या? हमसे दूर भी तो तूने अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू की थी ना, तो तू वहीं चली जा. आयशा की जिंदगी खराब हो जाएगी, हो सकता है उसकी शादी खत्म हो जाए. वो श्रुति का फ्लैट खाली पड़ा हुआ था ना पापा, तो मैंने उससे बात की, वो मान गई. बस आज ही शिफ्ट करने वाली हूँ. पीहू और मैं अब वहीं रहेंगे. क्या बात कर रही है बेटा तू, ये है या ये इतने बड़े घर में यहाँ कुछ प्रॉब्लम है तुझे? एक मिनट. किसी ने तुझसे कुछ कहा है क्या? हाँ? अरे नहीं पापा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी ने कुछ नहीं कहा. अरे तो फिर क्या बात है बेटा, है? तेरा अपना घर है ये, यहाँ कुछ जगह की कमी है क्या? अरे तू एक काम करना, तेरी माँ के साथ अंदर सो जाना, मैं यहाँ पे ये सोफे पे सो जाऊंगा. और कुछ नहीं पापा, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. और ये मेरा घर है, ये आपको मुझे बताने की जरूरत थोड़ी है. ये मेरा घर है और हमेशा रहेगा, ये तो मैं जानती हूँ पापा. और जगह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रह सकती हूँ आराम से. इट्स जस्ट दैट पापा कि 5 साल बहुत लंबा अरसा होता है डैडी, हमें एक दूसरे के बिना रहने की आदत हो जाती है. मुझे भी अकेले रहने की आदत है एंड आई एम श्योर यहाँ पे भी सबको मेरे बिना रहने की आदत हो गई होगी. मैं नहीं चाहती कि पापा, मैं और पीहू, मतलब पीहू जब देखो कहीं भी भागती दौड़ती रहती है, जिद करती है. मैं नहीं चाहती हमारी वजह से यहाँ पे किसी को थोड़ी भी तकलीफ हो. और कोई बात नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड, मैं आपसे थोड़ी छुपाऊंगी कुछ. अरे तू कैसी बात कर रही है बेटा, तेरी वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? है? और अभी अभी तो तू आई है इतने सालों के बाद में, अभी अपनी बातें भी नहीं हुई है ठीक से. मैंने सोचा था बैठेंगे बातें करेंगे और तू ये क्या जाने की बात कर रही है? मैं कोई वापस दुबई थोड़ी जा रही हूँ, यही पास में ही तो जा रही हूँ, श्रुति का घर पापा. और सुबह की चाय तो हम अपने साथ ही पिया करेंगे, आई प्रॉमिस. पता नहीं बेटा, मेरे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है. अभी तू कैसे अकेली रहेगी और कहीं कुछ प्रॉब्लम हुई तो? अरे पापा आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम होगी? दुबई में तो मैं अकेली रहती थी और वैसे मैं यहाँ अकेली नहीं रहने वाली हूँ, नेहा रहेगी मेरे साथ. सॉरी मैं आपको बता ही नहीं पाई, तभी तो आप इतनी चिंता कर रहे हैं. आप तो जानते हैं पापा, नेहा के घर में भी कितना स्ट्रेस चल रहा है, तो वो भी चाहती थी कि थोड़ा दिन अलग रहे. तो हम दोनों ने फैसला किया कि मैं, नेहा और पीहू, हम लोग श्रुति के खाली फ्लैट में कुछ दिनों के लिए शिफ्ट हो जाएंगे. एक्चुअली कल रात को ही डिसाइड किया, इसलिए आपसे इस बारे में बात नहीं कर पाई. बट डोंट वरी पापा, आपकी बेटी इस लायक तो है ना कि अपनी जिंदगी खुद संभाल सकती है. पता नहीं बेटा, ये देखो अब रहने दीजिए. आप उसका हौसला बढ़ाने के बजाय नेगेटिव बातें करके उसे कमजोर बना रहे हैं. वो इंडिपेंडेंट रहना चाहती है, तो उसे रहने दीजिए ना. हमारी प्रिया बहादुर लड़की है, वो अकेले मैनेज कर सकती है. दुबई में भी तो कर ही रही थी ना. नहीं, इमोशनल क्यों होते हैं आप? शिप्रा तुम ये पापा.
ठीक ही तो कह रही है माँ, इट्स ओके। इनफैक्ट नेहा तो अब तक घर पे पहुंच भी गई होगी। मैंने उससे कहा था तो पहले पहुंच के थोड़ा सा देख लेना, मैं पीहू को तैयार करके ले जाती हूँ। नेहा का ही फोन है। हाँ नेहा, मैं पहुंच गई हूँ, तुम कहाँ हो? मुझे लगा ही था, सॉरी यार मुझे थोड़ी सी देर हो गई। एक काम करना, फ्लैट मैंने खुलवा दिया है, एंड जस्ट गो एंड सी, मैं बस 5 मिनट में पहुंचती हूँ। हाँ हाँ, नो वरीज, टेक योर टाइम, मैं चलती हूँ अंदर। ओके ठीक है। मम्मा मम्मा, हाँ जी, मैं कब स्कूल जाऊंगी? जल्दी से, पहले मम्मा और पीहू यहाँ से शिफ्ट आउट करेंगे, पहले घर शिफ्ट करेंगे, फिर आपका स्कूल में एडमिशन कराएंगे। खुश के स्कूल जाऊंगी? नहीं, खुश के स्कूल नहीं, मामा के स्कूल। आपका स्कूल अभी तक है? हाँ, वो कहाँ चला जाएगा, स्कूल तो वहीं रहता है, स्टूडेंट्स चले जाते हैं। पागल, इधर आ। राम और आयशा की शादी सिर्फ नाम के लिए है और कुछ भी नहीं। हमसे दूर भी तो तूने अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू की थी ना, तो तू वहीं चली जा, आयशा की जिंदगी खराब हो जाएगी। अरे रजत आ गए तुम, आओ बैठो, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, कम सिट। शैल आई ऑर्डर समथिंग फ्रॉम रूम सर्विस, कॉफी और समथिंग? नो थैंक्स, आई एम गुड। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। भाई जब दुबई वाले बुकशॉप के पेपर्स आ गए, बुकशॉप जो मैंने प्रिया के नाम ट्रांसफर करवाया था। लेकिन बुकशॉप के पेपर्स क्यों बेटा? आप तो आई नो व्हाट यू सेइंग दाइजा, पर मुझे अभी पता चला है कि प्रिया अपने पेरेंट्स के घर से शिफ्ट कर रही है, वो पीहू के साथ अब कहीं और रहेगी। कल रात भी पार्टी में मैंने उसे रेंट के बारे में बात करते हुए देखा। मोरवर दाइजा, राम इस केस से पीछे हट ही नहीं रहा है। अगर ये केस कोर्ट तक गया तो सबसे पहले वो उसकी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटीज चेक करेंगे। That's when these papers will come handy. लेकिन रजत, प्रिया घर छोड़ रही है, सब ठीक तो है ना उसके साथ? पता नहीं दाई, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। I have to do something, दाई, I can't just sit down like this. मैं जानती हूँ बेटा, तुम उसकी मदद करना चाहते हो, but you know her temper. तुम्हें लगता है वो तुम्हारी हेल्प एक्सेप्ट करेगी? You're right, दाईजा। लेकिन कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे वो ये पेपर्स एक्सेप्ट कर ले, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी ना हर्ट हो और सब कुछ ठीक हो जाए। Yes, I understand. राहुल अंदर आना, I'm sorry, अभी तक हमने कुछ सेट नहीं किया। मामा, अभी मुझे बच्चा समझती है ना? You really think I'm a kid, right? No, बेटा। और नहीं तो क्या मॉम? आपने हमेशा मुझसे कहा कि हम फ्रेंड्स हैं, हमारे बीच में कोई सीक्रेट्स नहीं है, और आपने क्या किया? अपने और डैड के डिवोर्स की बात छुपाई और उसके बाद मुझे बिना बताए घर छोड़ दिया, और अब अपना ये नया घर खुद ही सेट कर रही हो। एक बार भी मेरी जरूरत नहीं पड़ी क्या? डोंट यू नीड योर सन मॉम? मॉम नो, डोंट क्राई। आप रोती हो ना तो एकदम चुड़ैल लगती हो, आपका जो एक काजल है समझ हो जाता है, और एकदम और मूवी की चुड़ैल लगती हो आप। चुप है। प्रॉमिस मी मॉम, यू विल नेवर क्राई अगेन।
course, जरूर आऊंगी यार. तुम्हारे स्टोर की ओपनिंग और मैं ना आऊं. As it is, तुम्हें पता है मुझे कैंडल्स कितनी पसंद है. और तुमने डिजाइन किया तो जरूर एक्सक्लूसिव होगा. Of course, I'll come. Sure. Bye. ओ वाह भाई, कैंडल कुंडल, रोशनी शोशनी, उजाला सुजाला, हाँ कमाल है. क्या बस ये सोच रही हूँ कि उसके स्टोर की ओपनिंग में क्या पहनूं, कौन सी ड्रेस. वो सोच लेना, सोच लेना. पहले चल के फैमिली के साथ डिनर करो, ड्रेस के बारे में बाद में सोच लेना. डिनर मैं कपूर फैमिली के साथ. वाह, हाउ रोमांटिक. आई थिंक यू लूजिंग इट. आपकी याददाश्त जा रही. इतने सालों में मैंने डिनर किया है इनके साथ, जो आज करूंगी, इट्स जस्ट सो बोरिंग. ओ कितनी भोली है आयशा तू. ओ ये जो कैंडल शैंडल है ना, इसको अपनी जिंदगी में जलाओ. आप कभी भी जिंदगी में कोई चीज सीधे साफ शब्दों में कह सकते हो? मुझे कभी कुछ समझ में नहीं आता आप जो भी कहते हो. हाँ मैं भी भूल गया था कि मैं तेरे साथ बात कर रहा हूँ. तो सुन, तू सीधे साधे वर्ड्स में सुन. राम को खुश करके तू अद्धी लड़ाई जीत पाएगी. अगर तुझे प्रिया से पूरी लड़ाई जीतनी है तो तुझे पूरे कपूर खानदान को खुश करना होगा. उनके दिलों में मोमबत्तियां जलानी होंगी, रोशनी करनी होगी, क्योंकि उनके दिलों में प्रिया बसी है. तुझे अपने आप को उनके दिल में बसाना होगा. और तेरे पास टाइम बहुत कम है, चल शुरू हो जा. It's over. Mom, I'm hungry. एक काम करती हूँ नेहा, मैं मार्केट जाती हूँ, कुछ सब्जी और कुछ और बेसिक खाने की चीजें लेकर आ जाती हूँ. घर तो हो गया है सब कुछ, मैं अकेले क्या आती हूँ. पुलाव खाएगा? कुछ भी चलेगा. ज्यादा के पानी लेकर आ. नेहा मैं जा रही हूँ, कुछ हो ना तो प्लीज मुझे फोन करके बता देना. कुछ भी याद आया तो मैं रास्ते से ले लूंगी. ओके okay? हाँ तेल वेल तो था, चावल दाल वगैरह ले लेना. हाँ ठीक है ठीक है. हाँ ना बोल. हाँ विक्रम सुन, तू आज रात को मेरे घर आ जा, लेट्स हैव अ ड्रिंक टुगेदर. नहीं यार, आज आज शाम को रहने दे, मैं घर पे ही हूँ बच्चों के साथ. कल जो हुआ वो बेचारे अभी तक शॉक में हैं, एंड आई थिंक मेरे को उनके साथ ही रहना चाहिए. तो मैं उनको अकेला नहीं छोड़ सकता यार. हाँ आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन नेहा है ना यार, नेहा को संभालने दे बच्चों को. आई नीड टू टॉक टू यू अबाउट अ फ्यू थिंग्स. आ जाना यार. नेहा नहीं है यार. नहीं है मतलब कहाँ है? वो ये घर छोड़ कर चली गई यार. हाँ शी इज मूव्ड आउट फॉर सम डेज. क्या कह रहा है तू यार? How can she do something like this? इतना बड़ा decision वो इतनी जल्दी ऐसे कैसे ले सकती है? What is wrong with her यार? अब रहने देना यार. देखो क्या लगता है, मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की. देख ना जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन वो नहीं संभाल पा रही है अपने आप को. उसको थोड़ा वक्त लगेगा. शायद पति होने के नाते रोक लेता उसको. उसका दोस्त भी हूँ यार, मुझे वो स्पेस उसको देनी पड़ेगी. But why you taking this so lightly? तेरे लिए शायद ये बड़ी डील नहीं है, बट फॉर मी इट्स क्वाइट अ बिग डील यार. तो एक काम कर, वो कहाँ शिफ्ट हुई है उसका एड्रेस दे मुझे. क्या यार तुम लोग भी ना, 5 साल हो गई, पूरी दुनिया बदल गई, लेकिन ये पुरानी बिल्डिंग्स की पुरानी लिफ्ट अभी तक नहीं बदल सकती. चलो बेटा सीढ़ी से.
रहने दीजिए, रहने दीजिए, हो गई लिफ्ट ठीक? जी मैडम, हो गया। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। यहाँ पर कैसे पहुंची? कैसे पहुंची मतलब मैं सब्जी लेके नीचे से आ रही हूँ, ऐसे पहुंची? लेकिन तुम ऊपर यहाँ पहुंची कैसे? लिफ्ट से आई मैं ऊपर। लिफ्ट बंद है, लिफ्ट काम नहीं कर रही, मैं सीढ़ी से आया हूँ। मोहन मिस्टर कपूर, अभी अभी मैं लिफ्ट से ऊपर आई हूँ, लिफ्ट काम कर रही है अब। तुमने जानबूझकर किया ना ये? क्या 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 किया क्या मैंने? तुमने वो लिफ्ट मैन से या वॉचमैन से, वो नीचे जो रिपेयर कर रहे थे, उनसे कहा होगा कि जानबूझकर इस आदमी को ऊपर चढ़ के आने दो। एक मिनट, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मुझे परेशान करने के लिए? टू अनॉय मी, टू इरिटेट मी, दिस इज एग्जैक्टली लाइक यू, आई शुड हैव नोन। रियली? आपको इरिटेट करने के लिए मैं ये करूंगी? बिल्कुल नहीं, नहीं, ये तो बहुत कम है मिस्टर कपूर, मैं तो और भी बहुत कुछ कर रही हूँ। आपको नहीं पता आजकल ये जो मुंबई में हर शाम को तेज बिजली कड़कती है और बारिश होती है, ये भी मैं ही करवा रही हूँ। ये जो गैस के सिलेंडर का रेट बढ़ा है, ये भी मैंने ही बढ़वाया। और ये पेट्रोल डीजल इन सब के प्राइसेस में हाइक हुआ, ये सब मैंने कराया। एक्चुअली क्या है ना, 5 साल से आपने मुझे जाना नहीं, मुझे बहुत पावर्स आ गए। इस एरिया की ना मैं लोकल गॉड हूँ, भगवान हूँ मैं यहाँ, इसलिए करा रही हूँ मैं ये सब आपको इरिटेट करने के लिए। वेरी फनी इट इज। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ नेहा रहती है ना, यहाँ क्यों आई हो तुम? ये मेरा भी घर है, नेहा और मैं ये फ्लैट शेयर कर रहे हैं। व्हाट? जी हाँ। अरे ये आवाज क्यों? ए फैटी, अंदर आओ ना। थैंक यू वेरी मच नेहा। तो आखिर तुमने अपनी साइड चूज कर ही ली ना? थैंक गॉड कि मेरा दोस्त विक्रम अभी तक मेरी साइड में है। और यू नो व्हाट, हम दोनों ही जीतेंगे। You take it in writing from me, हम दोनों ही जीतेंगे, no matter whose side you are on. Why are you going on like a stuck record? अंदर चल के आराम से बात करो ना। कहीं नहीं जाना है मुझे तुम्हारे साथ, और तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम्हें समझाने के लिए आया था मैं यहाँ पर, but now तुम दोनों को ऐसे देख के ना मुझे पता है कि समझाने का कोई फायदा नहीं होने वाला। I'll see you in court, both of you. वो पीहू के एडमिशन के लिए कल स्कूल में उसके पेरेंट्स को बुलाया, तो मुझे और आपको दोनों को जाना पड़ेगा। कल सुबह 9 बजे थिंकू आएगा? जरूर आएंगे, मैं मिस्टर कपूर को अच्छी तरह से जानती हूँ। आई नो एज अ वाइफ मैं उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, लेकिन एज अ डॉटर पीहू मीन्स एवरीथिंग टू हिम। मेरे लिए नहीं, लेकिन पीहू के लिए जरूर आएंगे। आई थिंक यू राइट।
एक मिनट। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.